मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज मैं आपको सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति का विवरण देने जा रहा हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति का विवरण देने जा रहा हूँ। किसी भी परीक्षा में, चाहे वह यूपीएससी हो, पीसीएस हो या जो अदर एग्जामिनेशन हैं, उसमें इस चैप्टर से कम एक या दो प्रश्न हर बार या अक्सर ऑफेनली पूछा जाता है। तो मैं इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को आज मैं शुरू कर रहा हूँ। सामान्य रूप से तथ्य यह है कि भारतवर्ष में सिंधु घाटी सभ्यता से की खोज से पहले वैदिक सभ्यता को सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी, लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता खोज ली गई, इसके बाद से भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति को माना गया। तो सिंधु घाटी की सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये कब का है, इसका उदय कैसे हुआ, इसका खोज किसने किया, इसके खोज में किनका अहम योगदान है, इन सभी तथ्यों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जावे कि भाई आखिर ये सभ्यता कैसे पनपी थी, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, इनके प्रतिपादक कौन थे, इनके निर्माता कौन थे, इनके संबंध में ढेर सारी बातें हम लोग स्पष्ट करेंगे कि आखिर यह सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। तो सबसे पहले आप हेडिंग दीजिए। नाउ हेडिंग इज दैट सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति। एक बार फिर से सुन लीजिए, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति, इसी को हम लोग कहते हैं इन इंग्लिश इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए इसका तथ्य, सबसे पहला तथ्य ये है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका पीरियड क्या होगा। जब कभी भी आप इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात आपको इसके पीरियड के बारे में जानना चाहिए। तो इनके पीरियड के संबंध में काफी विवाद है, इसका विवादित पीरियड है, इसका एग्जैक्ट काल नहीं है, इसका विवादित काल है, इसका सर्वमान्य काल अभी तक खोजा नहीं गया है। इसका विवादित काल क्या होगा भाई? तो विवादित काल में हम लोग ढेर सारे काल हैं, लेकिन मैं आपके सामने दो काल लिखता हूं। नंबर वन इज दैट 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1800 ये ईस्वी पूर्व तक का काल। सेकंड हम लोग लिखते हैं इसमें 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व का काल। ये दो काल माना जा रहा है और अभी कमोबेश सभी इतिहासकार इस दो काल के संदर्भ में अपना मत व्यक्त करते हैं कि यही दो काल कमोबेश सही है। अब हम लोग तीसरे बिंदु पर चलते हैं, सेकंड बिंदु पर ये जो सभ्यता था, ये सभ्यता का प्रकार क्या था, व्हाट वाज द टाइप ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका टाइप देख लीजिए यानी प्रकार देख लीजिए, फिर से आप सुनिए इनको, इनका प्रकार क्या है। इसका प्रकार जो हम लोग देखते हैं, वो प्रकार आपका इसका पड़ता है नंबर वन। इतिहासकारों ने इनके प्रकार के संबंध में दो बातें कही। नंबर वन इज दैट कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता। इट मीन्स दैट ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन
सिविलाइजेशन, ये ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। और सेकंड पॉइंट इतिहासकारों ने लिखा ये शहरी सभ्यता थी, ये शहरी सभ्यता थी। फिर से सुनिए, ये शहरी सभ्यता थी, इसी को हम लोग कह सकते हैं दिस वॉज टाउनी सिविलाइजेशन, दिस वॉज टाउनी सिविलाइजेशन, यह शहरी सभ्यता थी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें, इसको आगे पढ़ने से पहले हम लोग देखें कि आखिर शहर किसको कहा जाता है। ये जो शहर शब्द है, ये जो टाउन शब्द है, ये टाउन किसको कहा जाता है, होम इज कॉल्ड टाउन, हम लोग टाउन किसको कहते हैं। तो टाउन के संबंध में जो प्लानिंग कमीशन ने परिभाषा दिया है, जो प्लानिंग कमीशन ने, ये प्लानिंग कमीशन ने परिभाषा दिया है, उसमें दो, उसमें कुछ शर्तों को रखा गया कि यदि यह कोई शर्त पूरा करता है तो वो शहर कहलाएगा, और यदि यह शर्त पूरा नहीं करता है तो वो शहर नहीं कहलाएगा। तो पहला शर्त है न्यूनतम जनसंख्या, ये न्यूनतम जनसंख्या, ये न्यूनतम जनसंख्या, इसकी न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, मिनिमम पॉपुलेशन ये कितनी होनी चाहिए, इसके मिनिमम पॉपुलेशन के संबंध में कहा गया है इनकी जो मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए वो 500 व्यक्ति होना चाहिए। ये 500 व्यक्ति आपको हास्यास्पद लगना नहीं चाहिए, आपको यदि ऐसे लगता है भारत जैसे देश में आप निवास करते हैं और जैसे ही मैं बोलता हूं कि भाई ये 500 न्यूनतम जनसंख्या 500 होनी चाहिए, तो आपके सामने बड़े बड़े महानगर, जैसे कि मैं बोलूं आपको, आपका कलकत्ता हुआ, मद्रास हुआ, दिल्ली हुआ, और यदि विदेश में ले लिया जाए तो चीन का बीजिंग हुआ, तो ये सब ये बड़ा अजीबोगरीब ये प्रदर्शित होता है। लेकिन मैं आपको बोलूं ये न्यूनतम है, जैसे क्या कह सकते हैं व्हाट यू से, ये मिनिमम है, नॉट मैक्सिमम है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, ये करोड़ों में हो सकता है। इसीलिए यहां पर जो दिया गया वो मिनिमम जनसंख्या इनका कितना दिया गया, ये 500 दिया गया, 500 पॉपुलेशन शुड बी, मिनिमम पॉपुलेशन शुड बी 500 पीपल। और सेकंड पॉइंट इसमें ये दिया गया है कि भाई इसका किसको हम लोग कहते हैं, इसका कहता है जनघनत्व कितना होना चाहिए, जनघनत्व, इसका जनघनत्व जो होना चाहिए 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, ये 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। फिर से सुनिए, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, इसका मतलब है 1 किलोमीटर में ये कितना आदमी होना चाहिए, ये होना चाहिए 400 व्यक्ति होना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, वो थर्ड पॉइंट आपका है कि कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का 75% व्यक्ति, 75% व्यक्ति ये गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए, गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए, गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए, अर्थात कृषि में, अर्थात ये कृषि में नहीं गैर कृषि कार्य में। आज भी आप शहर में देखिए, शहर की जो अधिकांश जनसंख्या है वो खेती कार्य नहीं करता है, वो अन्य कार्य करते हैं, कृषि को छोड़ के अन्य कार्य करते हैं और उन्हीं से उनका जीविकोपार्जन चलता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैर कृषि कार्य कहते हैं, नॉन एग्रीकल्चर वर्क। इट मींस दैट शुड बी इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चर वर्क। तो यदि 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्य में संलग्न है, संलग्न है, तो ये शहर का ये सबसे बड़ा ये क्या हो जाता है, लक्षण होता है, ग्रेट फीचर ऑफ बीइंग टाउन, ये शहर का, शहर होने का ये सबसे बड़ा लक्षण होता है। और लास्ट पॉइंट इज दैट कि इनके अलावे वहां पर सारी सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए, सारी सुविधाएं, सारी सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए। तो सारी सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, वहां सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चिकित्सा हो, शिक्षण संस्थान हो, व्यापार वाणिज्य का हो, अन्य सब सारी चीजें हो, तो ये उपर्युक्त बिंदु यदि, उपर्युक्त तथ्य यदि कहीं पर अवेलेबल है तो वो क्या कहलाएगा, वो शहर कहलाएगा। इतिहासकारों ने जब सिंधु घाटी सभ्यता के नगर विन्यास को देखा
जब नगर विन्यास को देखा तो उन्होंने ये सारे फीचर्स को पाया, वहां का सड़क, वहां का नाली व्यवस्था, वहां का नगर नियोजन व्यवस्था, वहां का अन्य सारी चीजों को देख करके इन लोगों ने इसे किस चीज का दर्जा दे दिया, इसको दर्जा दे दिया शहर का दर्जा दे दिया। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता कोई ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, नॉट रूरल सिविलाइजेशन, इट वॉज टाउनी सिविलाइजेशन, यह कोई ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। और सेकेंड पॉइंट जो हम लोग देखें, जो हम लोग फर्स्ट टाइम में लिखे थे कि साहब ये कौन क्या है, तो हमने कहा ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये हमने कहा कांस्य युगीन, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो कांस्य युगीन सभ्यता का माने हुआ कि ये लोग बड़ा प्रौद्योगिकी में ये काफी आगे निकल चुके थे। कांसे का निर्माण तभी होता है जब टीन प्लस तांबा को मिला दिया जाता है, तो ये किस चीज का निर्माण होता है, ये कांसे का यानी कांस्य का निर्माण होता है। इसे ही हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। तो खुदाई जब यहाँ पर किया गया तो खुदाई से बड़े पैमाने पर कांसे की बनी वस्तुएं प्राप्त हुई, और इसीलिए इतिहासकारों ने इसे कांस्य युगीन सभ्यता का। यदि आप कहेंगे कि भाई लौह युगीन सभ्यता थी क्या, ये लौह युगीन सभ्यता नहीं थी, ये लौह युगीन सभ्यता नहीं थी, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो यदि हम लोग दो चीज देखें, फिर से एक बार सुनिए, वंस अगेन, ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये लौह युगीन सभ्यता नहीं थी। तो सभ्यता का प्रकार इनका क्या था, तो इसका सभ्यता का प्रकार यह शहरी सभ्यता थी, और नंबर टू यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये दोनों प्रश्न बराबर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन सभ्यता है, तो हम लोग कहेंगे शहरी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सभ्यता है, हम लोग बोलेंगे कांस्य युगीन सभ्यता। अब यदि इसको व्यापक पैमाने पर देखें तो ये यदि शहर का निर्माण हो और यदि कांस्य का निर्माण हो, प्रौद्योगिकी का निर्माण हो, इसका मतलब है ये लोग प्रगतिशील विचारधारा के थे, ये लोग प्रगतिशील विचारधारा के थे, और प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति हमेशा नई सोच, नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति के साथ अपने सारे कामों को नया आयाम देते हैं। नए आयाम के साथ ये सारी चीजों को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इसका प्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है वो बेहतर होता है और अपने आप में नए अंदाज को लिए हुए होता है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में एक बहुत ही अर्वाचीन यानी बिल्कुल नया अधुनातन सभ्यता माना जाता है अपने पीरियड का। इसके जोड़ में जो सभ्यताएं थी, जैसे कि इसके समकालीन सभ्यता हम कह सकते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये मेसोपोटामिया वर्तमान समय में जो हम लोग कहते हैं ये इराक है, यही ये मेसोपोटामिया उस समय कहा जाता था, इराक को उस समय मेसोपोटामिया कहा जाता था। और सेकंड बात यदि हम लोग देखें ये फारस की सभ्यता, तब फारस जो कहा जाता था ये ईरान को कहा जाता था। इनके अलावे जो सभ्यताएं हैं इनके समकालीन, जैसे हम लोग कह सकते हैं क्रीट की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। हम लोग ये सब सभ्यता किसके समकालीन था, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। और ये सभ्यता, इन सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता का भी अपना क्या था, ये महत्वपूर्ण स्थान था, ये कोई सामान्य सभ्यता नहीं थी। और इस सभ्यता की जो सबसे बड़ी बात हम लोग देखते हैं, उसका नगर नियोजन अपने आप में क्या था, बड़ा अनोखा था, अनपैरेलल था, और इतना खूबसूरत बनाया था, इसका मुकाबला मेसोपोटामिया और भारत की सभ्यता के साथ की जा सकती है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलें, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग देखते हैं कि सभ्यता का काल जो हम लोग निकालते हैं वो किस आधार पर निकालते हैं। इतिहास में ये देखा जाता है किसी सभ्यता का जो काल निकाला जाता है या प्रेजेंट किया जाता है उसका आधार क्या होता है। तक सभ्यता के काल को निर्धारित करने के लिए वो क्या निकाला जाता है, तो वो कार्बन 14 पद्धति
का प्रयोग किया जाता है, C14 का ये प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर किसी भी सभ्यता का ये क्या निकाला जाता है, काल निकाला जाता है, काल का निर्धारण किया जाता है, डिटरमिनेशन ऑफ एनी सिविलाइजेशन पीरियड, उसको डिटरमाइन किया जाता है कि साहब इसका काल कितना है, इसी आधार पर यह तय होता है। तो यदि हम लोग देखें कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया है वो कार्बन 14 पद्धति के आधार पर किया जाता है, तो कार्बन 14 पद्धति में दो बात पर ध्यान रखा जाता है, किसी भी जीवाश्म में उपस्थित कार्बन की मात्रा के आधार पर जीवाश्म की आयु ज्ञात की जाती है, फॉसिल्स की आयु ज्ञात की जाती है। तो अब सवाल यहां पर है कि ये कार्बन की मात्रा को क्यों आधार बनाया गया है। इसकी कार्बन की मात्रा का दो बात आता है, यदि किसी भी जीवाश्म में कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है तो वह जीवाश्म हाल फिलहाल का होगा, वो बहुत हाल का होगा। और यदि किसी जीवाश्म में कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, जिसका तात्पर्य है कि वह बहुत अधिक प्राचीन वो क्या है, वो जीवाश्म है। और इसी के आधार पर ये सभ्यता का ये काल निर्धारण किया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का या कोई भी सभ्यता, आइदर मे बी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, फारस सिविलाइजेशन, ये फारस की मेसोपोटामिया की सभ्यता, फारस की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, तो किसी भी सभ्यता का जो काल निर्धारण किया जाता है वह कार्बन 14 पद्धति के आधार पर किया जाता है। और कार्बन 14 पद्धति का आधार जीवाश्म फॉसिल्स में उपस्थित कार्बन की मात्रा को माना जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने कार्बन 14 को समझ लिया कि भाई कार्बन 14 क्या है, और कार्बन 14 के आधार पर किसी भी जीवाश्म की आयु कैसे निकाली जाती है, इस बात से हम लोग वाकिफ हो गए। अब हम लोग अगला पॉइंट चलते हैं, इस सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को किन नामों से जाना जाता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नामांकरण कैसे किया गया, सिंधु घाटी सभ्यता का नामांकरण। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामांकरण जो दिया गया, तो सबसे पहले इसको हड़प्पा की सभ्यता कहा गया, हड़प्पा की ये सभ्यता कहा गया। दूसरा इसको जो सबसे कहा गया सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति कहा गया, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति कहा गया। और तीसरी बात जो इसके संबंध में कहा गया, सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता। तो सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता अभी यह प्रस्तावित नाम है, यह प्रपोज्ड है, यह प्रस्तावित नाम है, यह प्रपोजल रखा गया है कि इसको सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता कहनी चाहिए, इसका नाम ये होना चाहिए। लेकिन अभी तक ये बात इनकी मान्यता नहीं मिली है। तो मूल रूप से अभी तक जो कहा जाता है वो कहा जाता है हड़प्पा की सभ्यता, और दूसरा जो नाम दिया जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति, ये बात कहा गया। लेकिन इनमें भी विद्वानों में ये मतभेद है कि सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या होना चाहिए, मोस्ट एप्रोप्रिएट नेम ऑफ द सिविलाइजेशन। तो इतिहासकारों ने कहा है इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो होना चाहिए वह हड़प्पा की सभ्यता होनी चाहिए। तो अब सवाल है कि हड़प्पा की सभ्यता क्यों होनी चाहिए। हड़प्पा की सभ्यता इसलिए होनी चाहिए, इतिहास में ये बातें कही जाती है कि जिस स्थल की खुदाई सबसे पहले होती है उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। तो हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई सबसे पहले हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा की सभ्यता कहना सर्वाधिक उपयुक्त मान्य है, सर्वाधिक उपयुक्त समीचीन प्रतीत होता है। इसलिए इतिहासकारों ने हड़प्पा की सभ्यता कहना इसे सर्वाधिक मान्यता प्रदान किया गया।
तब दूसरी बात है कि साहब तब सिंधु घाटी सभ्यता इतना पॉपुलर नेम क्यों हो गया? तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए इतना पॉपुलर नेम हो गया क्योंकि इसका इस जगह जो सिंधु नदी के किनारे जो खुदाई के उपरांत जो बस्तियां प्राप्त हुई हैं वो सर्वाधिक सघन मिला है, यानी बड़े पैमाने पर इस नदी के किनारे बस्ती का क्या प्राप्त हुआ है, अवशेष प्राप्त हुआ है, नगर का अवशेष प्राप्त हुआ है, बड़ी बड़ी ये बड़े बड़े नगर यहाँ पर क्या है ये मिले हैं, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहना इतिहासकारों ने क्या माना उचित माना, और यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता से ज्यादा पॉपुलर नेम कौन नाम रख दिया गया, सिंधु घाटी की सभ्यता एवं संस्कृति ये नाम रख दिया गया। तो आपने इस बिंदु को भी समझ लिया कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या होगा, तो सर्वाधिक उपयुक्त नाम हम यदि बोले आपको कि भाई ये हड़प्पा की सभ्यता, लेकिन यदि सर्वाधिक लोकप्रिय नाम कहा जाए तब वो कौन हो जाएगा, वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगी, और यदि प्रस्तावित नाम कहा जाए तो सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता इसको माना जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने ये तीन नाम को हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, व्हाट विल बी नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं इसका विस्तार कहां से कहां तक है, इसका विस्तार हम लोग जो कहते हैं ये कहां तक से कहां तक ये फैला था, इसका एक्सपेंशन ये एक्सपेंड कहां से कहां तक किया था। तो सिंपल सी बात है, कोई भी सभ्यता हो, कोई भी देश हो, उनकी एक सरहद अवश्य होती है, बिना सरहद का वो नहीं हो सकता है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का भी, सिंधु घाटी सभ्यता की भी अपनी एक सीमा थी, और वो सीमा कहां से कहां तक थी, तो इस प्रकार से आप देखिए सामान्य रूप से यदि हम इसका सीमांकन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि उत्तर में कहां है, दक्षिण में कहां तक फैला था, और पश्चिम में कहां तक फैला था, और पूरब में कहां तक फैला था। तो उत्तर में जो ये फैला था ये एक स्थल का नाम है मांदा, फिर से सुनिए मांदा। तो मांदा कहां स्थित है भाई, ये जम्मू में स्थित है। ये मांदा कहां स्थित है, ये जम्मू में ये स्थित है। तो उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार मांदा नामक स्थल पर यानी जम्मू तक ये फैला हुआ था, और दक्षिण में यदि हम लोग देखें तो दक्षिण में यदि हम लोग चलते हैं ये दैमाबाद, ये दैमाबाद, फिर से सुनिए दैमाबाद। ये दैमाबाद कहां स्थित है भाई, ये महाराष्ट्र में है। ये कहां पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में है, ये दैमाबाद महाराष्ट्र में, यानी दक्षिण में ये दैमाबाद तक फैला हुआ था, और पश्चिम में इसको आप देखिए पश्चिम में कहां तक फैला था, ये जरा सा टेढ़ा नाम है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये इसको हम लोग बोलते हैं सुत कागेन डोर, फिर से सुनिए पश्चिम में यह सुत कागेन डोर नामक स्थल तक फैला हुआ था। यह सुत कागेन डोर कहां पर है भाई, तो यह पड़ता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट के पास ये पड़ता है, ये जो कि समुद्री किनारा है। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट के पास ये स्थित था, ये स्थित था। ये है पश्चिम में सुत कागेन डोर, और पूरब में कहां तक ये फैला था भाई, ये पूरब में फैला था आलमगीरपुर तक फैला था। फिर से सुनिए वंस अगेन आई रिपीट इट, आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर कहां पर है भाई, ये आलमगीरपुर आपका पड़ता है मेरठ, ये उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से हम लोग देखे कि इनका जो विस्तार था वो कैसे था, तो उत्तर में ये मांदा यानी जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद अर्थात महाराष्ट्र, पश्चिम में सुप्त कागेंडोर अर्थात मकरान तट कोमा बलूचिस्तान कोमा पाकिस्तान तक ये फैला था, और पूरब में आलमगीरपुर कहां पर, ये मेरठ, ये मेरठ कहां पर, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहां तक इसका क्या था, यहां तक इसका विस्तार था। जिस प्रकार से हम लोगों ने इसके विस्तार को समझ लिया, अब यदि हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना था भाई, ये क्षेत्रफल कितना, एरिया ऑफ दिस सिविलाइजेशन, तो कहता है कि इसका एरिया था 12 लाख
99,600 वर्ग किलोमीटर था, ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक ये क्या था, ये इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। यदि वर्तमान समय में ये कहा जाए तो भाई ये वर्तमान पाकिस्तान से इसका क्षेत्रफल क्या था, ये बड़ा था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ये बहुत विस्तृत सभ्यता थी। लेकिन यदि भारत के संदर्भ में देखें, ये भारत के किस भाग में सबसे ज्यादा फैला हुआ था, तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में ये सर्वाधिक फैला हुआ था, सबसे बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। ये उत्तर पश्चिम भाग में ही सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा की सभ्यता का विस्तार सबसे अधिक था। तो ये उत्तर पश्चिम भारत में इसका विस्तार सबसे अधिक था। यदि हम लोग देखें ये किन किन देशों में फैला था, ये किन किन देशों में फैला था, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि नंबर वन में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये पाकिस्तान में सर्वाधिक जो विस्तार इसका हम लोग देखते हैं वो पाकिस्तान में है। सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं ये भारत में फैला हुआ है, और थर्ड में एक छोटा सा चीज है, दैट इज वो कहां पड़ जाता है, अफगानिस्तान। इस प्रकार से यह जो इसका जो विस्तार था वो था पाकिस्तान, भारत और कहां पर था, अफगानिस्तान, जैसे तीन देशों में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, ये फैला हुआ था। ये इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र काफी विस्तृत था। ये अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक था। अब हम लोग नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं, विचार करते हैं इसका नेक्स्ट बिंदु क्या है, इस पर हम लोग विचार करते हैं। देखिएगा, अब हम लोग सिंधु घाट सभ्यता को देखते हैं, इसका प्रमुख स्थल कितना है। ये प्रमुख स्थल, ऐसे तो एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार इसके जो प्रमुख जो स्थलों की जो खोज की गई है वो अब तक 1500 से अधिक स्थल खोज लिया गया है। लेकिन इतने अधिक स्थल का जानकारी देना और अपने आप में इसको समाहित करना यह आसान नहीं होगा, इसलिए हम लोग इतने अधिक स्थलों की चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग उन्हीं स्थलों की चर्चा करेंगे जो परीक्षोपयोगी है, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो काफी महत्वपूर्ण है उसमें कुछ स्थल हैं, आप उस स्थल को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते ग्रेजुअली आप उनको सुनते जाइए और अपने मन में उनको समावेशित या अपने मन में उसको ग्रहण करते चले जाइए, या अपने कॉपी में आप धीरे धीरे आप लिखते जाइए। हम धीरे धीरे बोलते हैं, हम तेजी के साथ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपको लिखने में थोड़ी सी तकलीफ होगी। इसीलिए मैं मानूं आप कॉम्पिटिटिव छात्र हैं तो आसानी से मेरी बातों को समझ रहे होंगे, लिखने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो सबसे पहला स्थल हम लिखते हैं हड़प्पा, सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। फिर से सुनिएगा, थोड़ा नाम टेढ़ा है, दैट इज हड़प्पा। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, ये दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। तीसरा स्थल है चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो, फिर से सुनिए, टेढ़ा नाम है चन्हुदड़ो। चौथा नाम है लोथल, यह चौथा नाम है लोथल, लोथल। पांचवा नाम है, ये हम लोग कहते हैं रोपड़, रोपड़, रोपड़। छठा नाम है, इसको हम लोग कहते हैं छठा नाम आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। सातवां नाम है मांदा, सातवां नाम है मांदा। आठवां नाम है सुत्तकागनडोर, सुत्तकागनडोर, सुत्तकागनडोर। नौवां नाम है दैमाबाद, दैमाबाद, नौवां नाम है दैमाबाद, दैमाबाद। दसवां नाम है टेंथ, दसवां नाम है रंगपुर, रंगपुर, ये रंगपुर। ग्यारहवां है रोजदी, रोजदी, फिर से सुनिए, रोजदी, रंगपुर, रंगपुर। बारहवां है प्रभासपट्टनम, प्रभासपट्टनम, प्रभासपट्टनम। चौदहवां नाम इसका है, हम लोग 14th नेम इसको जो देखते हैं वो है कालीबंगा, कालीबंगा, फिर से सुनिए, कालीबंगा।
पंद्रहवां नाम इसका है, उसको हम लोग कहते हैं पंद्रहवां नाम को राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, ये है राखी गढ़ी। सोलवां नाम है इसका, ये सोलवां नाम है मित्ताथल, ये है मित्ताथल, 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 मित्ताथल। दसवां नाम है, सत्रहवां नाम इसका हम लोग देखते हैं अगला नाम, यानी आपका जो पॉइंट हो उस पॉइंट को आप देख लीजिए, राखी गढ़ी, ये है राखी गढ़ी। अगला पॉइंट आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, कोट दीजी, ये है कोट दीजी, ये है कोट दीजी। अगला पॉइंट देखिए, धौला वीरा, ये है धौला वीरा, ये अगला पॉइंट है धौला वीरा। अगला पॉइंट आप देखिए, धौला वीरा से हम लोग चलते हैं, हम लोग चलते हैं बनवाली, बनवाली, ये बनमाली, ये बनवाली, ये बनवाली। और अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बालाकोट, ये है बाला, बालाकोट, बालाकोट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं राणा घुंडई, राणा घुंडई, राणा घुंडई, ये नाम का टेढ़ा है, सुनिए राणा घुंडई, राणा घुंडई। फिर देखिए सोतका, सोतका को, फिर देखिए सोतका को, सोतका को, फिर देखिए सुर कोतदा, सुर कोतदा, सुर कोतदा। तो ये सब स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे आप लोअर ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या हायर ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं। मैं एक ऐसा चीज आपको बता रहा हूं जिसमें सभी प्रकार के ये विषय वस्तु को समाहित कर दिया हूं। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको ये नाम गिना दिया, और आप इसी नाम को आज बढ़िया से आप देखिए। धन्यवाद।